ये है एमटेक नेचुरल साबुन वाली मीनाक्षी। साबुन लगभग हर घर में प्रयोग होता है, इसीलिए मीनाक्षी ने साबुन पर गहरी रिसर्च की और पाया कि साबुन में बहुत सारा केमिकल होता है जो चेहरे और शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में मीनाक्षी ने मुल्तानी मिट्टी से ऐसा नेचुरल साबुन बनाया है जो चेहरे और शरीर के लिए बेहद गुणकारी है और इसमें कोई हानिकारक केमिकल भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है नेचुरल साबुन वाली मीनाक्षी जी जो एमटेक है और मेरे हाथ में है इनका बनाया हुआ केमिकल फ्री नेचुरल साबुन। यहाँ ये इनका सेटअप है। मार्केट में जो साबुन हम खरीदते हैं अपने चेहरे पर शरीर पर लगाने के लिए, उस साबुन में और इसमें जो फर्क ये बता रही हैं उसको जानकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। इनका साइंस का बैकग्राउंड है तो पूरी रिसर्च करने के बाद इन्होंने पाया कि साबुन में बहुत सारा केमिकल रोज हम चेहरे पर और शरीर पर लगाते हैं। इनकी साबुन बनाने की पूरी प्रक्रिया लाइव दिखाएंगे ताकि आपको पता चले कि नेचुरल साबुन और केमिकल साबुन में क्या अंतर है। ये वीडियो निशुल्क है, जैसा आप जानते हैं अच्छा काम करने वालों को हम निशुल्क आपसे मिलवाते हैं ताकि इनको हौसला मिले और आपको शुद्ध चीजों के बारे में पता चले। तो चलिए एमटेक मीनाक्षी जी से जानते हैं कि साबुन नेचुरल कैसे बनाती हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मीनाक्षी कैसे बेहतरीन नेचुरल साबुन बनाती हैं ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले ये सुन लीजिए कि जो साबुन हम लगाते हैं उसमें कितना सारा केमिकल होता है। मीनाक्षी जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपने एमटेक किया इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, बता रहे थे फिर साबुन बनाने लगे, इसके पीछे का क्या राज है कि आप साबुन के क्षेत्र में आ गए? जी बताइए दर्शकों। सर एमटेक किया था क्योंकि मेरी साइंस में रुचि थी और सेम साइंस से ही ये साबुन का इन्वेंशन हुआ है, क्योंकि मैंने जो अपने डेली रोजमर्रा वाले साबुन है उनके बारे में स्टडी किया मैंने, तो मैंने पाया कि उसमें बहुत ज्यादा केमिकल होता है जो हम सोच भी नहीं सकते, इतना केमिकल होता है जो कि हम डेली बेसिस पे अपनी स्किन पे लगा रहे हैं। तीन तरह की साबुन होती हैं। एक होती है जिसका TFM हमारा 60 या उससे कम होता है, उसको Grade 3 सोप बोलते हैं। सेकेंड होती है Grade 2 सोप जिसका TFM 60 to 75 होता है, और 75 अबव जिसका TFM होता है उसे हम Grade 1 सोप में रखते हैं। जो हमारे रेगुलर यूज में हम लोग मोस्टली यूज कर रहे हैं वो Grade 2 या Grade 3 सॉप कर रहे हैं, जो कि हमारे बात के लिए होती ही नहीं है। ये TFM क्या होता है? TFM हमारा होता है टोटल फैटी मैटर। ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन सा हम सोप के अंदर ऑयल यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम अच्छी क्वालिटी का लाइक कोकोनट ऑयल अगर हम यूज़ करते हैं, अच्छे नूडल्स हम में अच्छा ऑयल बना डालते हैं तो वो TFM ज़्यादा आता है, लेकिन उसकी वजह से सोप की कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो सोप ये बाज़ार में क्या करते हैं लोग कि या तो पाम ऑयल यूज़ करते हैं जिसकी वजह से जो कि उन्हें सस्ता पड़ता है, और कुछ सॉप तो ऐसी होती हैं जिनके अंदर पाम ऑयल ना मिला के एनिमल फैट को बॉयल किया जाता है। जब एनिमल फैट को बॉयल करते हैं तो उसमें से ऑयल रिलीज होता है, उस ऑयल को सॉप में यूज़ करते हैं जिसका हमें पता ही नहीं होता है। वो मोस्टली हमारी Grade 3 जो सॉप होती हैं उनके अंदर आता है। अगर किसी सॉप में टेलो लिखा हुआ है इट मीन्स उसके अंदर एनिमल फैट का यूज़ हो रखा है। तो ये तो हुई बात जो मार्केट में मिलने वाले साबुन है, फिर आपने क्या किया? उसके अलावा भी बहुत सारे रिसर्च मैंने की, तो मैंने देखा कि ये TFM तो ठीक है, उसके अलावा सॉप के जो नूडल्स बनाते हैं हम उसके अंदर SLS नाम का एक केमिकल मिलाते हैं, सोडियम लोरियल सल्फेट। वो क्या होता है, एक सस्ता झाग बनाने का एजेंट होता है और जो कि क्लीनिंग भी करता है, लेकिन क्लीनिंग के साथ साथ वो बॉडी पे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट डालता है। जैसे बॉडी ड्राई हो जाती है, उसके ऊपर एक अलग सी स्किन के ऊपर अलग एक पपड़ी बन जाती है, स्किन का जो नेचुरल ऑयल है वो ड्राई कर देती है उसको, और टाइम से पहले हम बूढ़े दिखने लगते हैं। ये सब और कुछ जिनको सोरायसिस है इस टाइप की डिजीज़ है उन्हें तो SLS वाली जितने भी सोप हैं हमारी उनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए, वरना वो आने वाले समय में और गंभीर बीमारी का रूप ले सकते हैं। हमें नेचुरल डेली बेसिस पे अगर कोई स्वस्थ इंसान है उसे भी ये साबुन यूज नहीं करनी चाहिए। सेकंड, इसके अंदर पैराबिन मिलाते हैं। पैराबिन होता है एज अ प्रिजर्वेटिव होता है ताकि जो मटेरियल है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, लंबे समय तक चले। तीसरा मैंने पाया कि एक pH लेवल होता है हमारी स्किन का। pH मीन्स पोटेंशियल हाइड्रोजन। अगर ये हमारी बॉडी का pH होता है 5.4 से 5.9 और जो हम ये सोप यूज कर रहे हैं जो बाजार में आ रही हैं इनका pH 8, 9, 10 होता है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, स्किन की हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो ये साबुन इतने नुकसान पहुंचाते हैं जो आप बता रहे इतने केमिकल हैं, तो फिर क्या आपने इसके विकल्प के तौर पर शुरू किया? जी बिल्कुल सर। अब डेली नहाना तो था,
साबुन भी यूज़ करनी थी, तो हम क्या उसके अंदर अपने आयुर्वेद को यूज़ करके अपने नेचुरल जो पहले हमारे दादा परदादा यूज़ करते थे उस चीज़ को देख के उस पर मैंने R&D किया और तब मैंने जाके ये एक सोप बनाने का सोचा। 2 साल की R&D लगी है मेरी, तब जाके मैंने ये नेचुरल सोप बनाई। आपने जो सोप बनाया है ये क्या प्रक्रिया है बनाने की, नेचुरल कैसे है? ये 100% नेचुरल मैंने बनाया है। इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी है, कोल्ड प्रेस्ड नारियल तेल है, उसके अलावा इसमें हम मसूर का आटा, चने का आटा, बेसन जिसे हम बोलते हैं, और मेथी का आटा, और इसमें हम चावल का आटा, एलोवेरा, नीम पाउडर, गुलाब पाउडर, कपूर, मिंथॉल, चालमुंगरा तेल, करंज तेल, ये सब मिला के हम इस सोप को बनाते हैं। तो ये सेटअप आपने यहीं लगाया हुआ है जो बनाने का? जी सर। अब ये कैसे रिप्लेस करता है केमिकल वाले साबुन को? देखिए सर, SLS का काम होता है झाग बनाना, और इसके अलावा साबुन की एक और जो मैंने पाया, जो हमारी मार्केट वाली सोप होती है उसके अंदर एक खुशबू आती है। खुशबू भी दो तरह की होती है, एक एसेंस ऑयल से खुशबू आती है और एक सिंथेटिक खुशबू होती है अल्कोहल बेस्ड। एसेंस ऑयल्स जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, वो जो कि नेचुरल होते हैं, वो लोग जो मार्केट में साबुन आती है वो एसेंस ऑयल यूज़ नहीं करते, वो सिंथेटिक खुशबू यूज़ करते हैं जो कि अल्कोहल बेस्ड होती है और जिसके हम धीरे धीरे आदि हो जाते हैं। ये जो साबुन है ये ऑल इन वन है, जो हम डेली रूटीन में केमिकल वाले साबुन यूज़ करते हैं उससे जब हम नहाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि हमारी स्किन पे एक अगर हम लाइन खींच के देखें तो हमें कुछ वाइट केमिकल सा दिखता है जिसे हम बोलते हैं खुश्की आ गई, उसको हटाने के लिए हम लोशन लगाते हैं। फिर हम बाहर जाते हैं तो उस लोशन के ऊपर वो डर्ट चिपक जाती है, फिर उसको डर्ट को हटाने के लिए हम फिर साबुन से नहाते हैं, फिर उस पर केमिकल कंपोज हो जाता है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। ये सोप है, इसके अंदर ना कोई SLS है, ये नेचुरल मुल्तानी मिट्टी से बनी हुई है। मुल्तानी मिट्टी की अगर अकेले की मैं बात करूं तो ये क्या है कि ये एंटी एजनिंग है, स्किन को टाइट करती है, हमारे हाइपर पिगमेंटेशन छाइयाँ हैं इन सब को हटाती है, क्योंकि इसके अंदर नारियल तेल पड़ा हुआ है तो जब हम नहा के निकलते हैं तो हमारे स्किन पे कोई वाइट लेयर बनती नहीं है और हमें ऑयल लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से हमें जो केमिकल वो डस्ट है बाहर वाली वो हमारी बॉडी पे जमा ही नहीं होती है। लेकिन क्योंकि उसके अंदर SLS पड़ा होता है इसलिए उसमें झाग होते हैं, इस साबुन में झाग नहीं है क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है। इसमें हमने स्क्रब के लिए थोड़ा गुलाब की जो पत्तियां हैं या नीम की पत्तियां हैं उन्हें थोड़ा मोटा करके डाला हुआ है ताकि हमारे जब स्किन पे टच हो तो हमारे पोर्स अच्छे से ओपन हो जाएं और क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाए। दूसरी चीज, इसके अंदर झाग बिल्कुल भी नहीं है। आपको यूज करने के लिए 2 मिनट अपने बॉडी पे लगाना है, लगा के 2 मिनट छोड़ना है आपको, फिर आप बॉडी वॉश कर सकते हैं, फेस वॉश कर सकते हैं। नॉर्मल केमिकल वाली साबुन होती है उसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो नूडल्स होते हैं। अब नूडल बनाने के लिए आपको मैं एक चीज़ और भी बता दूं, हम जब सोप जो यूज़ करते हैं, आप जो भी साबुन यूज़ करते हैं उसके कवर के बैक साइड देखिए, वहाँ पे प्रॉपर लिखा होता है टॉयलेट सोप, और दुर्भाग्य की बात यह है कि हम टॉयलेट सोप से नहा रहे होते हैं और जिनका TFM 3 होता है वो तो हमारी तो एनिमल सोप होती हैं। हमारे जो साबुन है उसके अंदर हम ये नूडल्स खुद बनाते हैं मुल्तानी मिट्टी से, ना कि हम बाहर से केमिकल वाले नूडल लाते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे। जो मार्केट वाले साबुन है और आप वाले साबुन में केमिकल का कितना अंतर है? सर, मार्केट वाले साबुन में तो सारा ही केमिकल है। वो जो नूडल्स लेके आते हैं उसके अंदर मैंने जैसे पहले बताया SLS, पैराबिन और ये सब मिला के वो नूडल्स बनते हैं। नूडल बाजार से रेडीमेड लाते हैं, उनको मशीन में डाल के उसके अंदर कलर डाला जाता है और खुशबू वही आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस डाला जाता है और उसे प्रोसेस करके खुद का स्टैंप लगा के बेच दिया जाता है। जबकि हम मार्केट से कोई नूडल्स नहीं लेके आते हैं, हम मुल्तानी मिट्टी और जो भी मैंने आपको इंग्रेडिएंट बताए हैं, नारियल तेल, इन सब को मिला के हमारे खुद की मशीनों से ही ये नूडल्स हम बनाते हैं। एक बार प्रक्रिया बता दीजिए, सबसे पहले क्या करते हैं और कैसे कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो एलोवेरा होती है उसका हम रस निकालते हैं, उसके अंदर हम नारियल तेल कोल्ड प्रेस डालते हैं, उसके बाद जो अपने चावल का आटा है, मसूर का आटा है और मेथी का आटा है और बेसन है, साथ में नीम पाउडर, गुलाब पाउडर, वो मिक्स करते हैं। साथ में हम उसमें कपूर और मिंथोल यूज़ करते हैं। मिंथोल की अगर मैं बात करूं तो वो शरीर को ठंडक देने का काम करता है, शरीर से इरिटेशन को हटाता है और शरीर को कूलिंग इफेक्ट देता है मिंथोल। कपूर की बात करें तो हमारे जो वाउंड घाव वगैरह होते हैं उनको भरने में वो काम आता है और वो भी शरीर को कूल करता है और अपने जो भी छाइयाँ वगैरह दाग धब्बे हैं उन सबको हटाता है। कील मुहासों के जो निशान
होते हैं उन्हें भी वो हटाता है। ये जो सारा हमने मिक्सर तैयार किया है उसमें उसको हम लेके जाते हैं मिक्सर के पास, वहाँ पे हम पहले मुल्तानी मिट्टी डालते हैं, फिर ये सारा मिक्सर डालते हैं तो वो पूरा फिर मिक्स होता है। उसके बाद फिर सेकेंड मशीन है, ये है ट्रिपल रोल मशीन, इससे है पपड़ी निकाली जाती है। इसका काम क्या होता है कि जो हमने मिक्स किया है सारा मटेरियल कि उसमें कोई अनइवन कोई पार्टिकल ना रह जाए तो उसे वो प्रॉपर मिक्स कर देती है। फिर हम थर्ड स्टेज पे आते हैं, थर्ड स्टेज पे हमारा प्लोडर का होता है। प्लोडर से हम फिर जो ट्रिपल रोल से पट्टियाँ निकली हैं उसे हम मशीन में प्लोडर में डालते हैं और प्लोडर से फिर हमारे वो नूडल निकलते हैं जो कि हमारे नेचुरल नूडल्स होते हैं और जो बाहर से लेके आते हैं वो केमिकल वाले नूडल होते हैं। तो इस तरह से हम फिर नूडल्स को हम शेप देते हैं और फिर उसकी हम कटिंग करते हैं। इसके बाद ये स्टैंपिंग मशीन में जाता है, वहाँ पे स्टैंप लगती है और ये हमारा फाइनल नेचुरल साबुन तैयार होता है। ये जो नेचुरल साबुन है लगाने का क्या तरीका है वो और बता दीजिए। सर इसको लगाने के लिए सबसे पहले एक मिनट के लिए वेट कीजिए और अपने बॉडी फेस पे लगाइए इसको, और क्योंकि इसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब होने में टाइम लगते हैं, तो मिनिमम 2 मिनट के लिए आपको इसको लगा के छोड़ना होता है। फिर फेस बॉडी वॉश कर लीजिए, आपको एकदम तरोताज़ा फील होगा, आपके स्किन के जितने भी डिजीज़ हैं वो धीरे धीरे करके चले जाएंगे। इस नेचुरल साबुन की खास बात ये है कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे केमिकल वाली है वो साबुन और ये नेचुरल है। आप उस साबुन को चेहरे पर लगाइए और आइज़ खोल के लगाने की कोशिश कीजिए, आइज़ में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी और वो इरिटेशन होती है सोडियम लोरियल सल्फेट की वजह से। आप इस साबुन को चेहरे पे लगाइए और आइज खोलिए, आपको डिफरेंस अपने आप पता चल जाएगा। आप अपने बच्चों के लिए भी ये साबुन यूज कर सकते हैं क्योंकि ये केमिकल फ्री सोप, और इस ये साबुन एक एज अ फेस पैक आप यूज कर सकते हो क्योंकि हम फेस पैक के अंदर मुल्तानी मिट्टी गुलाब पाउडर ये सब करते हैं, लगाते मिक्स करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। वर्किंग जो वुमेन है वो रोज रोज फेस पैक नहीं बना सकती। हमने इसका नाम ही फेस पैक सोप रखा है क्योंकि इसके अंदर फेस पैक के है। तो मैं विशेष तौर से फिर से बता दूं कि इसको आप चेहरे पे लगा के 2 मिनट रखेंगे, आपके चेहरे को क्लीन भी करेगा, आपके चेहरे को मॉइस्चराइज भी करेगा, क्योंकि हमारा फेस होता है वो डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोज होता है, उसकी वजह से हमारे फेस पे टैनिंग हो जाती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जो एरिया ओपन रहता है वो ब्लैक हो जाता है कंपेयर टू जो एरिया कवर रहता है, तो जो ब्लैक ब्लैक हो जाता है उसे हम टैनिंग बोलते हैं। वो सन की यूवी रेज के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से होता है। जब आप इस साबुन को यूज करते हैं तो आपकी बॉडी का पूरा कलर सेम हो जाता है, जो आपकी बॉडी का नेचुरल कलर है, जिस कलर के साथ आपका जन्म हुआ है, इस साबुन को लगाने के बाद आपका वो कलर आ जाएगा, ये गारंटी है। इस साबुन की एक और खासियत बताऊं कि जब आप इससे नहाना शुरू कर देते हैं तो आपकी बॉडी के पोर्स ओपन हो जाते हैं। वो पोर्स ओपन होने की वजह से हमारी बॉडी में स्मेल नहीं आती। अगर आप 2 दिन भी नहीं नहाएंगे तो भी बॉडी से स्मेल नहीं आएगी, ये गारंटी है। क्योंकि केमिकल वाली जो सोप होती है आप उससे नहाते हैं उसमें SLS होता है, उससे हमारे पोर्स बंद हो जाते हैं, उसकी वजह से बॉडी से स्मेल ज़्यादा आती है। क्योंकि इसमें मसूर का आटा है, इसकी वजह से ये नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, आपके कलर को फेयर करता है। क्योंकि इसके अंदर नारियल तेल है तो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बनी रहती है, आप टाइम से पहले बूढ़े नहीं होंगे। क्योंकि इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल होती है, आपको जो पिंपल है मुहासे हैं आपके वो सारे दूर हो जाएंगे। अगर आपको एक्जिमा की या सोरायसिस की बीमारी है तो आप इसका अगर रेगुलर यूज करते हैं तो धीरे धीरे उसमें भी फर्क पड़ा है और हमें बहुत सारे ऐसे फीडबैक्स आए हैं। तो दोस्तों जैसा मीनाक्षी जी ने बताया कि केमिकल फ्री साबुन का विकल्प देने के लिए लोगों को इन्होंने साबुन बनाना शुरू किया। पूरी प्रक्रिया आपने देखी कि कैसे नेचुरल तरीके से ये साबुन बना रही हैं। मीनाक्षी जी हरियाणा में भिवानी शहर की रहने वाली हैं और यहीं पर इन्होंने ये सेटअप लगाया हुआ है, अपने पति के साथ मिलकर के इस वेंचर को आगे बढ़ा रही हैं, नेचुरल साबुन दे रही हैं। नंबर हमने दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं और अधिक जानकारी मीनाक्षी जी से ले सकते हैं। आगे भी आपको ऐसे वीडियो दिखाते रहेंगे, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।